सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं चलता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 15 अक्टूबर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। हिंदू पंचांग के गणना के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर यानी आज लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण आज रात 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन मध्य रात्रि को 2:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण वल्याकार में होगा, जिसमें आसमान में सूर्य एक रिंग यानी अंगूठी के आकार में नजर आएगा, जिस कारण से रिंग ऑफ फायर भी कहा जा सकता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे में यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका साइड इत्यादि जगहों में दिखाई देगा, भारत में नहीं। सूतक काल मान्य होगा कि नहीं, बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सूतक काल की अवधि भिन्न भिन्न होती है। जहां सूर्य ग्रहण की सूतक काल 12 घंटे का होता है, तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे का होता है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। मीन राशि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर सकते हैं या कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस समय उचित ग्रह स्थिति तथा आपका सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्पन्न कर रहे हैं। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। अचानक ही किसी मित्र से मुलाकात होगी और किसी विशेष मुद्दे को लेकर विचार विमर्श भी होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा, जिससे अटकी हुई बातें आगे बढ़ेगी। अभी भले ही प्रगति नजर आ रही है, लेकिन कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप तय की गई बातों पर टिके रहना आज तय की गई बातों पर टिके रहना होगा, तभी टारगेट हासिल कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट से जुड़े बातों को समझने की कोशिश करें। आपको नया आर्थिक स्रोत प्राप्त हो सकता है। लव रिलेशनशिप सकारात्मकता दिलाएगा। बीबी को नियंत्रित रखें, तनाव से बचें। सावधानियां, प्रॉपर्टी या पैतृक संबंधित कुछ कार्यों में रुकावट आने से तनाव रह सकता है, इसलिए सावधान रहें। अगर कोई सरकारी समस्या चल रही है तो उसका हल निकालने के लिए बहुत अधिक मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी समस्या के समाधान में जीवन साथी की सलाह से अवश्य ही उचित समाधान मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपनी रिश्तों को अलग अलग रखेंगे, तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे।
आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आपके सितारे आपके कार्यस्थल पर प्यार की ओर संकेत कर रहे हैं। अत्यधिक शवधार रही एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। आप अपने साथी को गोपनीयता के कारणों को समझाने की कोशिश करें और वे आपका समर्थन करेंगे। आपका वित्त बढ़ेगा और उसमें संतुलन रहेगा। कारोबार को लेकर आपकी कार्यशैली और मेहनत बेहतरीन परिणाम देने वाली है। साझेदारी की बात चल रही है तो उस पर तुरंत अमल करें, यह समझदारी फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशे लोग ऑफिस के काम बहुत अधिक सावधानी से करें। बात करते हैं सेहत की। आपको आज कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपका स्वास्थ्य में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपको मिली जुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे, इससे आपकी फिटनेस और अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भी भाग ले सकते हैं। आज का उपाय। आज आप शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।